व्हाट्स अप गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले शंभू सॉन्ग, अक्षय कुमार ने गाया है सॉन्ग तो शंभू गया फिर सॉन्ग वैसे हो गया ना, तो हर हर महादेव आप सबको भी, और करते हैं गाना एंजॉय अक्षय कुमार की आवाज में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, 1 2 3 गो। शंभू म्यूजिक हमेशा ही जोड़ सब नमन करे, सब करे रुद्र अभिषेक, भोले का जो ध्यान करे वो काम करे है नेक, देवों के हैं देव हमारे हर हर महादेव। बोलो योगी पढ़ो मंत्र, बोलो शंभू शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर, बोलो शंभू शिव शंकर। शंभू की हवा में जो विष पी जाए, नील कंठ चल है ओम नमः शिवाय, कण कण में समाए शिव गंगा धराए, महाकाल परम है ओम नमः शिवाय। अलग अलग है नाम तेरे पर काम है तेरा एक, हाथ जोड़ सब नमन करें, सब करे रुद्र अभिषेक, भोले का जो ध्यान करे वो काम करे है नेक, देवों के है देव हमारे हर हर महादेव। बोलो योगी पढ़ो मंत्र, बोलो शंभू शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर, बोलो हर हर महादेव। बोलो योगी पढ़ो मंत्र, बोलो शंभू शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर, बोलो शंभू। अक्षय कुमार मतलब अगर आप देखोगे ना एनर्जी क्या गजब की स्क्रीन पे है। अक्षय के जितने भी शिव शंभू वाले गाने हैं ना वो इतने एनर्जी पैक्ड, और उसमें म्यूजिक एक वो भी था ना कौन सी मूवी का भी था वो, हर हर महादेव, इसी का तो था वो, अभी जो आई थी शायद से ओ माय गॉड टू गई तो था, हां एक इसका था, एक वो था बम बोले, वो बम बोले लक्ष्मी मूवी का था। नेक्स्ट लेवल कोरियोग्राफी, नेक्स्ट लेवल थी, डायरेक्शन बहुत गजब था, जो एक ऑरा क्रिएट किया ना स्टेज का, वो जो ऐसे पूरा घूमा था ना उस घाघरा जो था, हाँ। उसमें जो वो फायर वाला वो डायलॉग बहुत गजब था। और अगर मैं बात करूँ जो लास्ट में जो एक्सप्रेशन जो डमरू में डमरू के टाइम पर जो एक्सप्रेशन था गजब, क्योंकि जब आप शिव जी के गाने सुनते हो ना उसमें एक्सप्रेशन, लिरिक्स, आवाज बहुत मैटर करती है, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जो म्यूजिक कंपोजिशन बहुत गजब था। और भाई मतलब जो लिटरली जो एक्सप्रेशन थे ना वो रौद्र, वो एकदम वैसा बहुत बढ़िया किया हुआ था, मैंने एंजॉय किया और आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, भस्म भी देखने को मिली हर तरीके से, मतलब अगर आप बात करो तो। बाकी आपको कैसे लगे आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। और अक्षय कुमार का हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह के गाने होते हैं ना वो अलग ही रौद्र एनर्जी, एकदम एनर्जी पैक, पर इस एज में भी इतनी एनर्जी, एज तो भाई पहली बात तो एज इज जस्ट नंबर, मैं बस उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो कहते हैं ना कि
भाई 40 के बाद बुढ़ापा आता है, पता है बुढ़ापा कुछ नहीं होता, और बुढ़ापा एक फिटनेस मानसिकता मतलब है ये नहीं कि सबसे सिक्स पहले पैक और ये सब निकाली है, भाई, फिट फिट मतलब है मतलब भाई एज। अब मैं 30 का हो गया हूँ, पहले हम जब थे कोई 30-32 अंकल घूम रहे हैं ऐसे, तो वो एक मानसिकता है वो, आप फिटनेस हर एक चीज। लेकिन भाई हैट्स ऑफ टाइम, क्या एक्टिंग थी हाँ जिस तरीके से, पूरा एग्जीक्यूशन जो माइंड ब्लोइंग। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक ठीक है। केयर।